गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पाठ 8 के बाकी बचे हुए प्रश्न उत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, सही गलत और प्रश्न उत्तर। तो हमने इस पाठ से जाना कि क्रोध किस तरह हमारे जीवन के लिए अभिशाप बन जाता है, सही गलत की हमें पहचान नहीं रहती और हमें इसके दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो चलिए आज हम करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप जब भी भविष्य में कोई भी निर्णय लेंगे तो शांत चित्त से ही लेंगे। किस जीवन में आवेशों का उत्पन्न होना स्वाभाविक यानी कि नेचुरल बात है? पहला, मनुष्य जीवन। दूसरा, पशु जीवन। तीसरा, पहला व दूसरा दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या है? मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन में आवेशों का उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है। तो हम सही उत्तर पे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है, प्राचीन काल में किसी नगर में रहता था। पहला, कुम्हार। दूसरा विकल्प, चर्मकार। तीसरा, मूर्तिकार। तो ये कहानी किसके बारे में थी? एक मूर्तिकार के बारे में थी। तो इसका सही उत्तर है मूर्तिकार, इसलिए हम मूर्तिकार पर सही का चिन्ह लगाएंगे। फिर तीसरा प्रश्न है हमारा, मूर्तिकार की कितनी बेटियां थी? पहली, दो। दूसरा, तीन। तीसरा, चार। मूर्तिकार की कितनी बेटियां थी? दो, तीन, चार। मूर्तिकार की थी दो बेटियां, इसलिए हम विकल्प एक पर सही का निशान लगाते हैं, दो। आइए इसको रिवाइज करते हैं। किस जीवन में आवेशों का उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है? मनुष्य जीवन में आवेशों का उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है। प्राचीन काल में किसी नगर में रहता था। कौन रहता था? मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकार की कितनी बेटियां थी? मूर्तिकार की दो बेटियां थीं।
नेक्स्ट है प्रसन्नता की स्थिति में भी शरीर से डैश आने लगता है। ऑप्शन वन पसीना, ऑप्शन टू खून, थर्ड इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या जाना कि प्रसन्नता की स्थिति में भी हमारे शरीर से पसीना निकलने लगता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वन, इस पे हम सही का निशान लगाते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट, मूर्तिकार मूर्ति बनाता था। पहला पाषाण काल की, दूसरा नव पाषाण, नवपाषाण काल की, और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि मूर्तिकार जो है वो पाषाण काल की मूर्तियां बनाता था, वो पाषाण मूर्तियों का निर्माता था। तो हमारे ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये खत्म हुए हैं। अब हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। प्रश्न दो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, मनुष्य द्वारा उक्त कार्य को के माध्यम से उत्पन्न डैश पर नियंत्रण करना अनिवार्य अर्थात जरूरी है। मनुष्य द्वारा उक्त कारकों के माध्यम से उत्पन्न क्या होता है, इन सब कारणों से आवेश यानी क्रोध पर नियंत्रण करना जरूरी है। तो ये सही उत्तर आएगा आवेशों। दूसरा है डैश, डैश का आवेश अधिक देर तक नहीं रहता। किसका आवेश अधिक देर तक नहीं रहता? क्रोध का आवेश जो है वो बहुत अधिक देर तक नहीं रहता। तो सही उत्तर है, यहां पर हम भरेंगे इसमें
क्रोध, तीसरा मूर्तिकार बहुत डैश हुआ, यहाँ क्या आएगा, मूर्तिकार जो है वो बहुत ही खुश हुआ, राजकुमारों को देखकर बहुत ही खुश हुआ, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है हमारा वो आएगा खुश, क्योंकि वो उनको देखकर भी खुश हुआ और यह सुनकर भी खुश हुआ कि वो अपनी उसकी बेटियों से शादी कर लेंगे। भय व्यक्ति की मन को डैश बनाकर मस्तिष्क में आकस्मिक यानी एकदम से हलचल उत्पन्न करता है। क्या पढ़ा हमने कि भय जो है वह व्यक्ति के मन को विक्षुब्ध बना देता है, यानी कि हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है, हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, किस स्थिति में क्या जवाब देना चाहिए या क्या सही गलत निर्णय लेना चाहिए, वो उसको खत्म कर देता है, अर्थात विक्षुब्ध बना देता है। तो हम एक बार फिर देखते हैं हमारे रिक्त स्थान जो हैं, मनुष्य द्वारा उक्त कारकों के माध्यम से उत्पन्न आवेशों पर नियंत्रण होना जरूरी है, करना अनिवार्य है। क्रोध का आवेश अधिक देर तक नहीं रहता, मूर्तिकार बहुत खुश हुआ और भय व्यक्ति के मन को विक्षुब्ध बनाकर मस्तिष्क के में आकस्मिक हलचल पैदा करता है, उत्पन्न कर देता है। अब हम करेंगे सही और गलत, सही के सामने सही व गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। प्रश्न तीन, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला है आवेश, मनुष्य के लिए विष के समान होता है, सही या गलत। जैसा कि हमारे पाठ का नाम ही बता रहा है कि हाँ, मनुष्य जीवन के लिए जो विष है वो जहर के समान होता है, तो हमारा ये वाक्य सही है, तो हम यहाँ सही का निशान लगा देंगे। फिर हमारा है नेक्स्ट क्रोध और चिंता, व्यक्ति को निराश और असमर्थ बना देते हैं, सही है ये वाक्य। हाँ बिल्कुल सही है कि क्रोध और चिंता जो है वे व्यक्ति को निराश और असमर्थ बना देते हैं, इसलिए
यह वाक्य सही है और हम इसके आगे सही का निशान लगा देंगे। फिर हम देखते हैं अगला वाक्य, क्रोध का आवेश अधिक देर तक नहीं रहता। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि क्रोध का आवेश जो है वो बहुत देर तक नहीं रहता, तो हम इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। फिर है प्रसन्नता की स्थिति में भी शरीर से पसीना निकलने लगता है। हाँ, जब हम अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तो भी हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है और हम बहुत ही खुश होते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलने लगता है, तो ये वाक्य भी हमारा सही है। तो इसी प्रकार हमारे चारों वाक्य सही हैं। हम दोबारा देखते हैं, आवेश मनुष्य के लिए विष के समान होता है, सही। क्रोध और चिंता व्यक्ति को निराश और असमर्थ बना देते हैं, सही। क्रोध का आवेश अधिक देर तक नहीं रहता, सही। प्रसन्नता की स्थिति में भी शरीर से पसीना निकलने लगता है, सही। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पाठ 8 के बाकी बचे हुए प्रश्न उत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, सही गलत और प्रश्न उत्तर। तो हमने इस पाठ से जाना कि क्रोध किस तरह हमारे जीवन के लिए अभिशाप बन जाता है, सही गलत की हमें पहचान नहीं रहती और हमें इसके दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो चलिए आज हम करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप जब भी भविष्य में कोई भी निर्णय लेंगे तो शांत चित्त से ही लेंगे। किस जीवन में आवेशों का उत्पन्न होना स्वाभाविक यानी कि नेचुरल बात है? पहला, मनुष्य जीवन दूसरा पशु जीवन तीसरा पहला व दूसरा दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या है? मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन में आवेशों का उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है, तो हम सही उत्तर पे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है, प्राचीन काल में किसी नगर में रहता था। पहला,
कुम्हार, दूसरा विकल्प चर्मकार, तीसरा मूर्तिकार। तो ये कहानी किसके बारे में थी? एक मूर्तिकार के बारे में थी। तो इसका सही उत्तर है मूर्तिकार, इसलिए हम मूर्तिकार पर सही का चिन्ह लगाएंगे। फिर तीसरा प्रश्न है हमारा, मूर्तिकार की कितनी बेटियां थी? पहली, दो, दूसरा, तीन, तीसरा, चार। मूर्तिकार की कितनी बेटियां थी? दो, तीन, चार। मूर्तिकार की थी दो बेटियां, इसलिए हम विकल्प एक पर सही का निशान लगाते हैं, दो। आइए इसको रिवाइज करते हैं। किस जीवन में आवेशों का उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है? मनुष्य जीवन में आवेशों का उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है। प्राचीन काल में किसी नगर में रहता था, कौन रहता था? मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकार की कितनी बेटियां थी? मूर्तिकार की दो बेटियां थीं। नेक्स्ट है प्रसन्नता की स्थिति में भी शरीर से डैश आने लगता है। ऑप्शन वन, पसीना। ऑप्शन टू, खून। थर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या जाना कि प्रसन्नता की स्थिति में भी हमारे शरीर से पसीना निकलने लगता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वन, इस पे हम सही का निशान लगाते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट, मूर्तिकार मूर्ति बनाता था। पहला, पाषाण काल की दूसरा नवपाषाण काल की और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि मूर्तिकार जो है वो पाषाण काल की मूर्तियां बनाता था, वो पाषाण मूर्तियों का निर्माता था। तो हमारे ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये खत्म हुए। अब हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। प्रश्न दो, रिक्त
स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, मनुष्य द्वारा उक्त कार को के माध्यम से उत्पन्न डैश पर नियंत्रण करना अनिवार्य अर्थात जरूरी है। मनुष्य द्वारा उक्त कारकों के माध्यम से उत्पन्न क्या होता है, इन सब कारणों से आवेश यानी क्रोध पर नियंत्रण करना जरूरी है। तो ये सही उत्तर आएगा, आवेशों। दूसरा है डैश, डैश का आवेश अधिक देर तक नहीं रहता। किसका आवेश अधिक देर तक नहीं रहता? क्रोध का आवेश जो है वो बहुत अधिक देर तक नहीं रहता। तो सही उत्तर है, यहाँ पर हम भरेंगे इसमें क्रोध। तीसरा, मूर्तिकार बहुत डैश हुआ। यहाँ क्या आएगा, मूर्तिकार जो है वो बहुत ही खुश हुआ, राजकुमारों को देखकर बहुत ही खुश हुआ। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है हमारा वो आएगा खुश, क्योंकि वो उनको देखकर भी खुश हुआ और यह सुनकर भी खुश हुआ कि वो अपनी उसकी बेटियों से शादी कर लेंगे। भय व्यक्ति के मन को डैश बनाकर मस्तिष्क में आकस्मिक यानी एकदम से हलचल उत्पन्न करता है। क्या पढ़ा हमने कि भय जो है वह व्यक्ति के मन को विक्षुब्ध बना देता है, यानी कि हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है, हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, किस स्थिति में क्या जवाब देना चाहिए या क्या सही गलत निर्णय लेना चाहिए, वो उसको खत्म कर देता है अर्थात विक्षुब्ध बना देता है। तो हम एक बार फिर देखते हैं हमारे रिक्त स्थान जो हैं, मनुष्य द्वारा उक्त कारकों के माध्यम से उत्पन्न आवेशों पर नियंत्रण होना जरूरी है, करना अनिवार्य है, क्रोध का आवेश अधिक देर तक नहीं रहता, मूर्तिकार बहुत खुश हुआ और भय व्यक्ति के मन को विक्षुब्ध बनाकर मस्तिष्क के में आकस्मिक हलचल पैदा करता है, उत्पन्न कर देता है। अब हम करेंगे सही और गलत। सही के सामने सही व गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। प्रश्न तीन, सही वाक्यों
के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला है आवेश, मनुष्य के लिए विष के समान होता है। सही या गलत? जैसा कि हमारे पाठ का नाम ही बता रहा है कि हाँ, मनुष्य जीवन के लिए जो विष है वो जहर के समान होता है, तो हमारा ये वाक्य सही है, तो हम यहाँ सही का निशान लगा देंगे। फिर हमारा है नेक्स्ट क्रोध और चिंता। व्यक्ति को निराश और असमर्थ बना देते हैं। सही है ये वाक्य? हाँ, बिल्कुल सही है कि क्रोध और चिंता जो है वे व्यक्ति को निराश और असमर्थ बना देते हैं, इसलिए ये वाक्य सही है और हम इसके आगे सही का निशान लगा देंगे। फिर हम देखते हैं अगला वाक्य, क्रोध का आवेश अधिक देर तक नहीं रहता। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि क्रोध का आवेश जो है वो बहुत देर तक नहीं रहता, तो हम इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। फिर है प्रसन्नता की स्थिति में भी शरीर से पसीना निकलने लगता है। हाँ, जब हम अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तो भी हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है और हम बहुत ही खुश होते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलने लगता है, तो ये वाक्य भी हमारा सही है। तो इसी प्रकार हमारे चारों वाक्य सही हैं। हम दोबारा देखते हैं, आवेश मनुष्य के लिए विष के समान होता है, सही। क्रोध और चिंता व्यक्ति को निराश और असमर्थ बना देते हैं, सही। क्रोध का आवेश अधिक देर तक नहीं रहता, सही। प्रसन्नता की स्थिति में भी शरीर से पसीना निकलने लगता है, सही।